बारिश से मुतासर कराची वालों को क्या रिलीफ मिलेगा, क्या बिजली और गैस के बिल माफ़ होंगे, क्या इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी, क्या नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा, क्या ताजरों को बिला सूद कर्ज़ों की फरहमी मुमकिन हो पाएगी, क्या मुतासर इमलाक की तामीर नौ सरकार कराएगी। सिंध हुकूमत ने कराची को आफत ज़दा तो करार दे दिया, लेकिन सवालों के जवाब अब तक ना मिले। हर दुकानदार का तकरीबन लाखों लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। DHA जैसे कहता है पानी हम उस वक्त निकालेंगे जबकि इलेक्ट्रिक बिजली ऑन करेगा, वो कहते हैं आप पहले पानी निकालेंगे तो फिर हम बिजली को ऑन करेंगे। महंगे तरीन इलाके डिफेंस के रिहायशी सबसे ज्यादा बेबस, मुस्लिम कमर्शियल खयाबान बदर और खयाबान इतिहाद बुरी तरह मुतासर, सब एवेन्यू और खयाबान बुखारी में भी पानी अब तक जमा, बिजली का भी कोई अता पता नहीं। डिफेंस कलेक्टर वाले कानूनी कार्रवाई के लिए एक पेज पर हजारों ने पिटिशन साइन कर दी। MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने भी मुकम्मल जिम्मेदारी DHA और कंटोनमेंट बोर्ड पर डाल दी। पूरा DHA पिछले 3 दिन से डूबा हुआ है, कुछ इलाकों से पानी निकला है और ये नाइली प्योरली ये नाइली जो है कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की और DHA की है, ये नाइली है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये करप्ट तरीन इदारे हैं जिनको अब लगाम देनी पड़ेगी। सबसे पहले ये कोशिश करेंगे CBC का जो CEO है जो पिछले 2 दिन से हमारे साथ एक्सिस में नहीं है उसको रिप्लेस करें, उसको टर्मिनेट करवाया जाए। करोड़ों के इलाके के आगे पकौड़ों की दुकान को कौन पूछे, VIP इलाके बदहाल तो सुरजानी नया नाजमाबाद सादी टाउन का भी बुरा हाल, सब बारिश की नज़र हो गया। मकीन अलम ओयास की तस्वीर, शहर खमोशा भी बर्बाद, सखी हसन मोहम्मद शाह और न्यू कराची कब्रिस्तान में कब्रें धस गईं। रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। वज़ीर आला सिंध ने अल्लाह से मदद मांग ली, जुलूस के दौरे पर कराची में मजीद बारिश ना होने की दुआ कर दी। वो इंतजामात पॉसिबल हमसे हो सकते थे हमने किए थे और उसके साथ हमारे साथ तावन किया, जरूर कुछ तकालीफ उनको आई हैं। आज मैं ये तिब्बत सेंटर और सारा इलाका अभी देखिए, आगे मैं खरादर तक जाऊँगा वापसी में। ये इलाका तो अल्लाह का शुक्र है कि साफ है, अल्लाह करे कि बरसात ना हो आज के दिन और आगे भी बरसात कुछ दिन ना हो हमारे यहाँ, ताकि ये सारा पानी निकल सके। पत्थर का दौर क्या होता है कोई कराची वालों से पूछे, ना मोबाइल किसी काम का ना इंटरनेट की सहूलत, बारिश बरसे 3 दिन से ज़ायद गुजर गए, मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सिग्नल बहाल ना हो पाए, इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुतासर। बारिश बरसाने वाला हवाओं का नया सिस्टम आ गया, मुल्क के बालाई इलाकों में आज से मंगल तक शदीद बारिशें होंगी, फ्लैश अर्बन फ्लडिंग और दरियाओं में सैलाब का खतरा, महकमे मौसमियात के मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। शदीद बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है, कराची में मौसम का मिजाज धीमा पड़ गया, हल्की बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियाँ, 16 अफराद की जान गई, दर्जनों जख्मी, 40 से ज़ायद घर तबाह हो गए। अपर चित्राल के रेशन गांव में राबता पुल और सड़कें बह गईं, दरियाए चित्राल में कटाव की वजह से आबादियाँ जेरे आब आ गईं, मुतासरीन नकल मकानी में मसरूफ, बिजली की ट्रांसमिशन लाइन भी टूट गई। यकुम सितंबर से पेट्रोल 3.5 रुपये महंगा होगा या 8 रुपये, ओगरा ने कीमतों में इजाफे की 2 तजावीज़ तैयार कर ली, आलमी मार्केट की मुनासबत से कीमत में 3.50 रुपये इजाफे की सिफारिश, पेट्रोलियम लेवी पर फैसले की सूरत में 1 लीटर पर 8 रुपये बढ़ जाएंगे, कीमतों का तयन 15 रोज़ के लिए होगा, हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे।